पेंट लगवाया कुछ ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के हाथों में पेंट ही है। हाँ बिल्कुल, तो उसकी पहचान है ना आर्टिस्ट की। करें शुरू। हेलो, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। ओके, कहाँ से हो आप? मैं कुशित्रा से ही हूँ। कुशित्रा, ओके, मतलब लोकल ही हो आप। कितने टाइम से आ रहे हो गीता महोत्सव? ये मेरा फर्स्ट टाइम था और एक काम भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मतलब लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि फोटो पेंटिंग कर रही हूँ मैं और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम ही है ये आपका यहाँ पे गीता महोत्सव? जी हाँ। ओके, तो आप कितने टाइम से पेंटिंग कर रहे हो? मैं पेंटिंग तो छोटी से ही कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फ्लोर पे पेंटिंग की है। इतने बड़े एरिया पे पेंटिंग मैंने कभी पहले कहीं नहीं दी। ओके, तो मैम ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग बनाई है आपने, क्या एक्सप्लेन कर रही है ये पेंटिंग? एक्सप्लेन कर रही है बुद्धा को शो कर रही है कि जो मतलब बुद्धा थे वो स्टार्टिंग से ही इस कहते थे कि भी हमें जो मूर्ति पूजा वो नहीं करनी चाहिए। सो हमारा टॉपिक था इंडियन मोटिव के ऊपर। मैं बेसिकली यहाँ पे बुद्धा नहीं मान सकती क्योंकि वो पैरों के नीचे आएगा। जी बिल्कुल। सो मैंने उनको एक रिप्रेजेंट किया है डियर के उससे कि भाई हाँ ये बुद्धा के उससे, और एक पीसफुल चीज दिखाया कि भाई हाँ शांति ही होती है रात के टाइम पे, मतलब जो हीरो होता है वो कभी भी शोर नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता है और बहुत सुंदर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मतलब शांति शांति का प्रतीक दिया है कि हमेशा शांत रहो और इंसानियत को मानो। या साइलेंस इज ब्यूटी। साइलेंस इज ब्यूटी तो मेन मोटिव है इस पेंटिंग का, साइलेंस इज ब्यूटी, और हमेशा शांत रहें, अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और हमेशा अच्छा सोचें। और जो 10 मिनट का गुस्सा होता है उसको कंट्रोल करके, मतलब जो ये हमने रेड कलर दिखाया हुआ है ये गुस्से का ही मतलब ओके है। सो मतलब उसमें ये दिखाया कि भाई जो गुस्सा होता है वो 10 मिनट का गुस्सा होता है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो सब कुछ अपने काबू में रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता तो सब तहस नहस हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये जो रेड कलर दिखाया मैम ने पेंटिंग में, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है इसका, मतलब ये गुस्सा है एक तरीके से और उसके अंदर अंदर जैसे जाते जाओगे तो शांति मिलती जाएगी आपको। हाँ, है ना मैम? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।